2023 विधानसभा चुनाव करीब है, जिसी को देखते दोनों ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। बात करें बुरहानपुर की तो सभी दल जो है युवाओं को साधने के अंदर जुट चुके हैं। हाल ही के अंदर बुरहानपुर के अंदर कांग्रेस ने भी बड़ा कार्यक्रम करके युवाओं को साधा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है भारतीय जनता जो मोर्चा है उन्होंने कार्यक्रम किया है। भाजपा के कद्दावर नेता हमारे साथ में मौजूद है, स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बहुत ही ज़्यादा करीबी रहे हैं और पूर्व महापौर है। क्या कहेंगे भैया, आखिर युवा किसके हैं? युवा मतदाता जिसने अपना जीवन शुरुआत की तो उसने भारतीय जनता पार्टी को देखा, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विकास को देखा और उन्होंने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के विकास को देखा है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले 2023 में जिस प्रकार लगातार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग मिल रहा है जनता का, युवा का, आने वाले समय में भी 23 में भी हमारा बुरहानपुर से विधायक और आने वाले 24 में हमारा सांसद भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। आप बात करें बुरहानपुर की तो आप युवा कह रहे हैं, कांग्रेस ऐसी कह रही है कि जो युवाओं ने आप जो कार्यकाल देखा है 18 साल से जो देखते आ रहा है वो बीजेपी का देता है देखा है, अब जो देखेगा वो कांग्रेस का देखेगा, तो ये भ्रष्टाचार की सरकार रही है कांग्रेस का दावा। भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस क्या करेगी, जो हजारों करोड़ का मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला घोटाला, 2G घोटाला, हजारों करोड़ के घोटाले हुए और उसका जेल में भी गए, वो सरकार के नेता मंत्री जेल में है उसके क्या बात करेंगे? जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो बेल पे है वो क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? आज तक किसी विपक्ष ने भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर एक रुपए का किसी मंत्री पर भी भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा पाए। ये हमारी उपलब्धि था, ये हमारा नेतृत्व है, ये हमको स्वीकार है और जनता को भी, जो युवा है वो आज डिजिटल मीडिया है वो माध्यम से जानते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। आज मोबाइल में दुनिया दिखती है, युवा के हाथ में अपनी बुद्धि से सोचता है और उसके दिमाग में भारतीय जनता पार्टी बैठी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहा है। तो आपको लग रहा है इन्हें युवा इस बार भाजपा के हैं? 100%। और हमने युवाओं के लिए इतना काम किया, रोजगार के लिए काम किया, युवा के शिक्षा की ओर ध्यान दिया, चाहे वो मेडिकल की हिंदी में पढ़ाई हो, आज तक के इंग्लिश में ही मेडिकल का डॉक्टर बनता था, आजकल इंजीनियर जो इंग्लिश पढ़ाए वही बनेगा 12वीं के बाद, लेकिन मध्य प्रदेश के जननायक शिवराज सिंह चौहान जी ने और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया कि आने वाले 12वीं के बाद अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा और हिंदी में आप पढ़ेंगे तो जो गाँव का बेटा है जो 12वीं तक पढ़ता था वो आगे इंग्लिश नहीं कर पाता था, तो आने वाले समय में हिंदी की मेडिकल पढ़ाई होगी और उसकी फीस अगर गरीब का बेटा है तो उसको 10 लाख रुपये साल लग रहे हैं तो 60 लाख रुपये तक भी 5 साल उसको पढ़ना है तो 10-10 लाख, 15-15 लाख मध्य प्रदेश की सरकार ये देने के लिए तैयार है। तो आने वाले समय में जो डॉक्टर नहीं मिलते थे गांव-गांव में, गली-गली में, कहीं सरकारी नौकरी नहीं करते थे, प्राइवेट क्लिनिक खोलते थे, लेकिन आज गरीब आदमी जो हिंदी पढ़ता है वो भी डॉक्टर बनेगा नरेंद्र मोदी जी की योजना से, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की योजना से। तो जो मेडिकल का जो अभाव था, जिस गांव में जाओ डॉक्टर डॉक्टर बोलते थे पर डॉक्टर मिलते नहीं थे, डॉक्टर तो डॉक्टर बनेगा ही तो इलाज कर पाएगा। तो ये देश के प्रधानमंत्री जिस भाषा में आपने पढ़ाई की है उस भाषा का आगे मेडिकल और इंजीनियर पढ़ेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। तो ये भाजपा के वरिष्ठ नेता थे जिनसे हमने बात की है, अनिल भोसले जी, क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको बताया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC News के साथ। BNC मीडिया के लिए मैं दानिश अज़हर खान।